वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारी वीडियो सब इंजीनियर एग्जाम को टारगेट करके बनाई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था धर्म की चर्चा के लिए। तो इबादत खाना जो धर्म की चर्चा के लिए बनवाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, जो कि इबादत खाना धर्म की चर्चा के लिए बनवाया गया था। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज जो कि दयाराम साहनी ने की थी, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके अलावा इन्होंने कब किया था? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की, और उन्होंने कब की? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। तो हड़प्पा सभ्यता खोज दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर होता है। उन्होंने 1921 में की थी, राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? तो कौन सा शासक जो एक सच्चे जैन मुनि की तरह शरीर त्याग दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मुनि की तरह शरीर को त्याग कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की गुफाओं में चले गए थे, और उन्होंने वहीं अपना जीवन त्याग कर दिया था। सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। सम्राट अशोक ने 14 शिलालेखों को बनाया। उसके अलावा सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप की स्थापना की। उसके अलावा सम्राट अशोक ने सारनाथ में भी कंस्ट्रक्शन करवाया। सम्राट अशोक के पुत्र जो कि महेंद्र और पुत्री संगमित्रा ने उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है, जिन्होंने एक जैन मुनि की तरह अपना शरीर को त्याग कर दिया था। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच में हुई? तो तराइन के प्रथम युद्ध जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज द्वितीय में हुई, और इसमें कौन जीता था? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने जीता था। लेकिन तराइन का द्वितीय लड़ाई कब हुई? तो 1192 में हुई। उस समय कौन जीता? तो मोहम्मद गोरी ने जीता था। तो तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, और उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो मुगलों के द्वारा कृषि की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत जो कि आईने अकबरी नामक पुस्तक में वर्णन मिलता है। और आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी। तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। किसे बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था? तो मुगल साम्राज्य से पृथक किसने कर दिया था? किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। उसके अलावा अगर तो मुगल साम्राज्य जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 में बाबर ने किया था। उसके बाद अगर बंगाल का विभाजन अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, तो 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था? तो 1856 में लाया गया था। उस समय लॉर्ड कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके बाद गवर्नर जनरल इंडिया 1857 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके क्या कर दिया गया था? तो उसको चेंज करके वायसराय कर दिया गया था, जो कि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह को लागू किया लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था।
उसके अलावा 1853 में इंडियन भारत में रेल आ गई थी, और वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। 1962 में आईपीसी की धारा इंडियन पैनल कोड की स्थापना जो कि भारत में लागू हो गई थी। अंग्रेजों ने कब फूट डालो राज्य करों की शासन नीति को अपनाया? तो अंग्रेजों ने कब फूट डालो शासन करों की नीति को अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करों की नीति को जो कि 1857 की लड़ाई के बाद किया। तो उस समय लॉर्ड क्लाइव जो कि भारत का गवर्नर जनरल थे, यानी 1857 में फूट डालो राज्य डिवाइड एंड रूल का नारा दिया। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 1526 में किसकी लड़ाई लड़ी गई थी? तो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। 1557 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? आर्य भारत में किस एरिया से आए थे? तो आर्य जो भारत में किस एरिया से आए थे, तो उसका करेक्ट आंसर होता है केंद्रीय एशिया से। सॉरी, किस एशिया से? एशिया, जैसे एशिया एक द्वीप है, तो एशिया के किस द्वीप से? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी? तो ये केंद्रीय यानी सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? तो रामायण और महाभारत की रचना जो कि वैदिक जो कि आर्य अवधि में हुई थी। तो रामायण और महाभारत की रचना जो कि आर्य अवधि में हुई थी, आर्य जो कि सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। दिल्ली सल्तनत ने किस शासक को इक्ता को समाप्त कर दिया था? तो इक्ता सिस्टम को किसने समाप्त किया? तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बलवन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता सिस्टम को समाप्त कर दिया था। उसके बाद बलबन जो कि सिजदा सिस्टम, पैगो सिस्टम लागू किया था। उसके बाद तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। किस गुप्त साम्राज्य गुप्त समाज की स्थापना की? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त ने की थी। तो चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके अलावा हर्षवर्धन जो कि एक प्रतापी राजा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच में लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में लड़ी गई थी, और 1556 में वैरम खान और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। वैरम खान जो कि अकबर के साइड से यानी मुगल डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और हेमू अलग था। तो 1556 में लड़ी गई थी। और पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर जो कि किंग था, इसने गद्दी पर कब बैठा? तो 1556 में गद्दी पर बैठा। और कब तक शासन किया? तो 1605 तक शासन किया। अकबर ने कौन कौन सा चीज़ किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसके अलावा अकबर ने इलाहाबाद का किला तथा उसने फतेहपुर सिकरी जैसे स्ट्रक्चर की स्थापना की बनवाया। मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था? तो मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी जो अफगानिस्तान का शासक था, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो इस समय अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। उसके अलावा मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था? तो अफगानिस्तान का था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी किस शासक की? तो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। बिहार के किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो बिहार को सबसे पहले मुस्लिम शासक खिलजी ने जीता था।
और खिलजी ने बिहार को जीता था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने कारखाने किस शहर में स्थापित किए? तो सबसे पहले मुगल काल में अंग्रेजों ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत में अपना कारखाने की स्थापना किए। किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया? तो किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया? तो अगर हम देखें तो किसके काल में, तो जहांगीर के बाद नहीं हुआ, शाहजहां औरंगजेब के समय मुगल काल का पतन हो गया। इस तरह से आज हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।